समस्या देखी, मिस्टर डी ब्रॉगली इक्वेशन न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है सर, इट्स मोमेंटम एंड स्पीड। तो इलेक्ट्रॉन का आपने वेवलेंथ निकालना है, वेवलेंथ निकालने के बाद आपको इसका मोमेंटम निकालना है, मोमेंटम निकालना है और फिर स्पीड निकालना। किसके लिए निकालना है? इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना। आप के पास है क्या? व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल ऑफ 54 वोल्ट। मिस्टर योन, क्वेश्चन समझ आया नहीं? समझा मिस्टर योन, ऐसा क्वेश्चन आपको एटलीस्ट महाराष्ट्र बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में उन्होंने अलग से इसको सॉल्व करके यहाँ बताया हुआ है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जी। ये देखिए, ये स्पेसिफिकली उन्होंने सॉल्व करके आपको बताया हुआ है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, फॉर एन इलेक्ट्रॉन मूविंग थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस, ये देखिए, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, और ये वो पोटेंशियल है जिसके थ्रू आप इलेक्ट्रॉन को मूव कर रहे हैं। सर, मेरी बात समझ आ रही है? नहीं आ रही? अपने आप से बातें करो, समझे बस मतलब समझ आ गया। यस सर। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्योंकि उन्होंने सॉल्व करके क्लियरली आपको बताया है, तो ये जो लैम्डा है, पहले तो याद रखिए कि ये जो लैम्डा है ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए, इस फॉर्मूले को, मतलब ये जो वैल्यूज हैं, इसको प्रोटॉन न्यूट्रॉन किसी और चीज़ के लिए आपने यूज़ नहीं करना। मेरी बात नहीं समझ आई? समझा सर। हरियाम जी, आपको समझ आया? जी। क्योंकि अगर आप ये प्रोटॉन के लिए यूज़ करेंगे, प्रोटॉन के लिए यूज़ करेंगे, तो एच अपॉन टू ये मास ऑफ प्रोटॉन आएगा, यहाँ चार्ज ऑफ प्रोटॉन आएगा और यहाँ वो वोल्टेज आएगी। उसी तरह अगर आप इसको न्यूट्रॉन के लिए करेंगे, तो न्यूट्रॉन में ट्वाइस ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन आएगा, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन आएगा और वोल्टेज आएगा। दोस्तों समझ आ रहा है? मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ। हाँ सर, समझा। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, इन्होंने मॉडिफाई कैसे कर दिया? मॉडिफाई ऐसे कर दिया कि ये 10⁻⁹ मीटर है, तो 10⁻⁹ को उन्होंने नैनोमीटर करके ये फॉर्मूला बना दिया। दोस्तों, नहीं समझ में आया? हाँ समझा सर। रियाव जी, समझ पा रहे हैं? जी सर, जी। अब मैं सिर्फ आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने कुछ गड़बड़ कर दी, गड़बड़ क्या कर दी आपने? आपने फार्मूला जो है वो ये वाला क्रैम कर लिया, बट आंसर जो आपने लिखा वो लिखा लैम्डा इन मीटर्स, तो सत्यानाश हो जाएगा। नहीं समझ पाया? यस सर। और अगर आपने ये वाला फार्मूला क्रैम कर लिया, और ये वाला जो लैम्डा है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा था प्रोटॉन के बारे में, और आपने ये वाला फार्मूला लगा दिया, तो भी सत्यानाश हो जाएगा। नहीं समझ आया दोस्तों? यस सर। अगर आप मेरी सलाह मानेंगे, तो जैसे अभी आपने ये कॉपी किया है, एक बार इसको समझ के एच की वैल्यू डाल के, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू डाल के, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू डाल के, वी तो कुछ है ही नहीं, वी तो ऐसा का ऐसा बैठा रहेगा, और लास्ट में जाके ये प्रकट हो जाएगा, ये बन जाएगा। बट याद रखिए, ये लैम्डा इलेक्ट्रॉन है, ये मीटर्स में है, और यहाँ पर जो लैम्डा है ये नैनोमीटर में। तो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक फॉर द लास्ट 5 मिनट्स इज, आपको जो डेरिवेशन है वो क्लियर होनी चाहिए, ये फॉर्मूला किसके लिए डराइव कर रहा है। सर, यहाँ तक क्लियर? जी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मैं ये सब R&D जो पुरानी हम कर चुके हैं उस पर वापस नहीं जा रहा। मैं मान के चल रहा हूँ कि ये जो हमने लास्ट टाइम किया था, डिटेल में किया था, ये आप समझ चुके हैं, इसलिए मैं दोबारा इसको डिस्कस नहीं करना चाहता। मिस मधु, मेरी बात समझ आ गई? हाँ सर, समझा सर। तो मैं आपको ये R&D दोबारा नहीं बताने वाला कि ये देखिए, मैटर वेव की जो वेवलेंथ होती है, दैट इज गिवन बाई h2mqv। अब मैं इसके आगे जा रहा हूँ। हरिओम जी, मेरी बात समझ आ गई? नहीं है? जी ये लास्ट टाइम डिस्कशन हो चुकी है, पूरा आपको 1 घंटे का लेक्चर, 1 या 40 मिनट का लेक्चर, ये वाला आपको समझाया जा चुका है। मेरी बात समझ आएगी? यहाँ तक आप मेरे साथ हैं सब? यस सर। ओके, तो अगर यहाँ तक आप क्लियर हैं, फिर ये जो क्वेश्चन है इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है।
इस भूमिका के साथ आपको ये समझ आ गया कि यार फॉर्मूला जो लगेगा वो फॉर्मूला तो सिंपल है, जो लैम्डा निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो तो आसान सा फॉर्मूला है, वो है 1.228 अपॉन वी वोल्ट्स में। हरियाणा जी बताइए लैम्डा किस में निकलेगा, मीटर में निकलेगा या पिको मीटर में निकलेगा? मिस मधु आप बताइए। नैनोमीटर तो में लगा सकते हैं। गुरुदेव नैनोमीटर, यही समझा रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए ध्यान से समझिए, ओहो सारा ही गायब हो गया, ध्यान से समझिए रेयन। अगर आप 1.228 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 करेंगे तो बेटा आपका आंसर है वो मीटर में आएगा, बट अगर आप 1.228 यूज करते हैं तो आपका जो आंसर है वो डायरेक्ट नैनोमीटर में आ जाएगा। आपको मेरी बात नहीं समझ आ रही? नहीं सर, अभी भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ। ओके ओके, मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए, ये वाला फॉर्मूला आपको समझ आ गया? जी। इस फॉर्मूले में तो कोई डाउट नहीं है? नहीं सर। पक्का कि यहाँ पर भी कोई डाउट है? भाई डाउट है तो बताइए। नो सर, नो डाउट। ओके, तो अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके मीटर में आंसर लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। मेरी बात समझ आई? क्योंकि ये जो मीटर है ये ऐसा यूनिट है और दिस इज अ एक्सेप्टेबल आंसर। बट मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप जब रिविजन करेंगे तो एक दूसरा फॉर्मूला ऐसे करके भी लिखा हुआ है ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। मैं इसलिए आपको बार बार ये बोल रहा हूँ कि इन्होंने क्या किया है, ये जो 10^-9 का फैक्टर है इसकी वजह से जो लैम्डा है उसको नैनोमीटर में बना दिया और फॉर्मूले में 1.228 को रख लिया और 10^-9 को इस नैनोमीटर में एडजस्ट कर लिया। अरे हाँ जी, नहीं समझ में आया? सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, नहीं समझ आया तो दोबारा पूछ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द सिंपल पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, अगर आप द सिंपल पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, अगर आप ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज करना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है। मेरी बात समझ आई? बट अगर आप ये जो क्वेश्चन है जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है इसमें जो आंसर उन्होंने दिया है वो निकाला नैनोमीटर में, तो नैनोमीटर में आंसर अगर आप चाहते हैं तो या तो आप ये मीटर में आंसर निकाल लीजिए फिर 10^-9 से डिवाइड कर दीजिए और फिर उसको नैनोमीटर बना दीजिए, या आप डायरेक्टली ये वाला मेथड, ये वाला जो फॉर्मूला है यही डायरेक्ट यूज कर लीजिए। दोस्तों मेरी बात नहीं समझ आई? मिस्टर यॉल समझा सर, आप यस बोलेंगे तभी मैं आगे चलूंगा, अभी भी डाउट है? नो नो डाउट। हाँ, क्योंकि मैं इसलिए सिर्फ आपको डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि ये क्लासिक मिस्टेक है जो आप एग्जाम में प्रेशर के अंदर आके करेंगे कि किसी ने आपको बोल दिया अरे लैम्डा निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये है, आप उसको रट के पहुंच जाएंगे, जबकि वो आपको ये नहीं बताएगा कि इसमें जो लैम्डा निकलता है वो निकलता है नैनोमीटर में, और ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए यूज होता है, ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन। अभी भी समझ गया? हाँ सर समझा। मिस्टर यॉन जी सर समझा। जब तक आप बोर नहीं हो जाते तब तक मैं बोलता रहूंगा। बात समझी? लैम्डा जो ये सारी जो स्टोरी स्टार्ट हुई है वो लास्ट लेक्चर जो हमने किया था यहाँ से, ये यहाँ से स्टोरी स्टार्ट हुई है। अब मैं सिर्फ लैम्डा में, अगर आपको कुछ अगर आप कुछ भी सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है तो अगर आप सिर्फ ये वाला फॉर्मूला भी याद करना चाहते हैं तो भी चलेगा माई फ्रेंड। नहीं समझ में आया? अगर आप इंफॉर्मेशन ओवरलोड नहीं करना चाहते हैं, ये फॉर्मूला सिर्फ याद रखना चाहते हैं, ये भी याद कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं समझ आ रहे हो? मैंने ये वाला फॉर्मूला लिया माई फ्रेंड, समझिए, ये वाला फॉर्मूला लिया और ये वाले फॉर्मूले में ये देखिए आपके सामने, ये देखिए ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें मैंने सिर्फ इलेक्ट्रॉन के रिलेटेड वैल्यूज डाली हैं। नहीं समझ में आ रहा? ये देखो, हरिओम जी समझा?
जी तो अगर आपको ये कैलकुलेशन सारी आपको देख देख के डर लग रहा है कि ये क्या क्या सर डिराइव करते जा रहे हैं, अगर आप बेसिक फार्मूला, जो बेसिक फार्मूला हमारा हमने जो लास्ट टाइम डिराइव किया था वो वाला फार्मूला डिराइव कर, सिर्फ वो वाला फार्मूला आप सीखना चाहते हैं तो ये वाला फार्मूला, सिर्फ एक फार्मूला ये वाला याद कर लीजिए, नहीं समझ में आया। समझा एंड देन यू शुड रिमेंबर कि इसमें मैंने वैल्यूज डालनी है, इसमें मैंने यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डालना है, यहाँ मैंने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डालना है, यहाँ मैंने प्लैंक्स कॉन्स्टेंट डालना है, वी मुझे दिया हुआ है तो मेरा आंसर आ जाएगा। उसमें भी याद रखिए ये जो वी दिया जा रहा है ये वोल्ट में है, मेरी बात समझ आई? समझ रेवंत जी आप हाँ बोलते हैं तो मैं आगे चलता हूँ, नहीं तो फिर से समझाता हूँ। नहीं सर समझा क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए और सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा सिंपल, कोई ज़्यादा उसमें सर पैर मारने वाली बात नहीं है। वो शायद आपको देख के डर लग रहा होगा बट एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को दोबारा करने की कोशिश कीजिए तो आपको समझ आ जाएगा, कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है। तो मैं तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा, 1.228 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ वी। अब जो वोल्टेज है वो 54 वोल्ट दिया हुआ है, 54 वोल्ट मैं इस फॉर्मूले के अंदर डालूंगा तो मेरा सट से 0.1671 नैनोमीटर मेरा आंसर आ जाएगा, नहीं समझ में आया? समझा सर जो कि ये आंसर दिया हुआ है। बोलो जी ठीक, यस सर रेवान जी को डाउट? नो डाउट ओके देखिए, एक बार आपके पास वेवलेंथ निकल गया तो आपको क्या निकालना है, उसके बाद वो बोल रहे हैं कि सर इस इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ तो निकाल दिया तो इसका मोमेंटम भी निकाल दीजिए। दोस्तों नहीं समझ में आया? अरे हाँ सर हाँ जी बात समझ आई नहीं आई? जी अच्छा, आपने एक बार मोमेंटम, अगर आपको मोमेंटम निकालना है तो ये देखिए मैटर वेव के लिए लास्ट टाइम हमने ये वाली इक्वेशन ड्राइव की थी। अगर आपने वो वीडियो दोबारा नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिए, नहीं तो इट विल मेक नो सेंस। अब यहाँ पर ये वाले फॉर्मूले में पार्ट वन में हमने लैम्डा निकाल लिया, एच की वैल्यू हमारे पास है तो पी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। दोस्तों नहीं समझ में आया? अरे हाँ यस सर हाँ जी डाउट है? नो डाउट डरिए मत, सारे सॉल्यूशन आपके पास है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखिए सारे सॉल्यूशन आपको दिए जा चुके हैं, ये देख लीजिए। तो डाउट आएगा तो दोबारा फिर उसको पीडीएफ को खोल के देख लेना। ये देखो तो पहले मैंने फर्स्ट पार्ट के लिए मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, उसमें वोल्टेज डाल के ये आंसर निकाल लिया, फिर मैंने ये वाला जो आंसर है, ये वाला जो आंसर है वो इस फॉर्मूले में डाला तो मेरा ये आ गया आंसर मोमेंटम का, नहीं समझ में आया? यस सर ये समझ गया यूनिट्स करके लिखा हुआ है, इसमें मोमेंटम के आप यूनिट्स लिख लीजिए। मेरी बात समझ आई नहीं आई? हाँ सर जी सर फाइनली वो आपको क्या बोल रहा है? फाइनली वो आपसे चाहता है कि मुझे बताइए कि अब इस इलेक्ट्रॉन का स्पीड क्या होगा? तो वो तो सिंपल है यार, पी इज इक्वल टू एम वी होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो वो पी इज इक्वल टू एम वी यूज करके मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास है और ये देखिए पी आप यहाँ निकाल चुके हैं, ये वाला पी। अब पी इज इक्वल टू एम वी में, पी इज इक्वल टू एम वी में मास आपके पास है, पी आपके पास है तो वेलोसिटी निकल जाएगा, नहीं समझ में आया? वो ये आंसर है। यस सर दोस्तों डाउट आ रहा है? नो सर नो डाउट तो ये 4.36 इंटू 10^6 मीटर पर सेकेंड, ये आपके पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, नहीं समझ में आया? हाँ सर जी ओके सेकेंड पार्ट देख लीजिए। व्हेन इट इज मूविंग विथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब याद रखिए ये जो इट है ये इलेक्ट्रॉन है, मेरी बात याद रखिए, मेरी बात समझ आई? हाँ यस
अब सेकंड पार्ट में आपको क्या बोला जा रहा है कि सर काइनेटिक एनर्जी इतनी है, और अब आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा, फिर से वेवलेंथ निकालना पड़ेगा, मोमेंटम निकालना पड़ेगा, स्पीड निकालना पड़ेगा। दोस्तों बात हाँ समझे मिस्टर यस अंडरस्टूड। ग्राउंड, आपको समझ आया नहीं है समझा सर। सर? आराम से तसल्ली से समझ रहा हूँ, ताकि समझा रहा हूँ आपकी, ताकि आपको कोई तकलीफ ना आए, मेरी बात समझ आए? क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी, मतलब फॉर्मूले तो सिंपल है, फॉर्मूले कोई मुश्किल नहीं है, आप हाथ से करेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। आप मुझे सुनते रहेंगे तो हर बार आएंगे, मुझे सुन के चले जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा, मेरी बात समझ आए? और मैं आपको बताता हूँ कि चीज़ें क्यों सिंपल है। ये जैसे लास्ट टाइम हमने मैटर वेव की जो वेवलेंथ है उसके लिए ये एक फॉर्मूला डेराइव किया था, कुछ याद है, हजारों साल पहले। यस सर। तो अब इसी फॉर्मूले में जब आपको वो काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है, तो बेसिकली वो आपको ये वाला, ये काइनेटिक एनर्जी दे रहा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास है। तो अगर आपको ये लेक्चर याद है, वो 40 मिनट का छोटा सा लेक्चर है, उसको देख लीजिए। ये लैम्डा स्टार अगर आपको याद होगा, ये मैटर वेव की फ्रीक्वेंसी है और ये मैटर वेव का वेवलेंथ है। रेहान जी हल्का सा याद आया हाँ नहीं आया? जी सर। तो आपने सिर्फ ये करना है कि ये वाला जो फॉर्मूला आपके सामने है, ये वाला जो फॉर्मूला आपके सामने है, इसमें एच की वैल्यू डाल दीजिए, इसमें मास की वैल्यू डाल दीजिए, और इसमें जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू डाल दीजिए। दोस्तों डाउट आ रहा है सर बहुत। हाँ बोलिए बोलिए। वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ना, तो उसे इलेक्ट्रॉन का वो ई से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हम लोग को करेक्ट वैल्यू मिलेगा ना। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मैडम। रेवा जी आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैडम ने जो बोला आपको यहाँ तक समझ आ गया रेवा? जी सर जी। तो आपने फॉर्मूला, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो फॉर्मूला आपने यूज करना है वो फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन 2ME के। बेटा यहाँ तक समझ आ गया आपको? अब थोड़ा सा बात समझ लीजिए, मैडम आपको क्या बताने की कोशिश कर रही है, मैडम आपको ये बताने की कोशिश कर रही है कि भाई एक चीज याद रखो, मिस मधु आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ऐसा यूनिट में होना चाहिए, ये ऐसा यूनिट में होना चाहिए, और ये भी ऐसा यूनिट में होना चाहिए। दोस्तों बात समझ आई? हाँ जी सर। अभी जो प्लैंक कांस्टेंट है ये एसआई में चलता है, जो यहाँ मास है वो केजी एसआई में चलता है, बट मिस मधु ये कह रही है कि सर आपको जो काइनेटिक एनर्जी दी जा रही है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी जा रही है, और जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो एसआई यूनिट नहीं है, इसलिए आपको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जूल में। नहीं समझ आया दोस्तों? यस सर। रेहान जी आप कंफ्यूज हो गए। नहीं सर सर। रेहान जी ये जो फॉर्मूला है, ये एसआई यूनिट में अगर चलेगा तो सब चीजें अपने आप बैलेंस आउट होती रहेंगी। क्या मतलब? ये अगर मीटर में चलेगा, एच के यूनिट्स क्या होते हैं मिस मधु? जूल सेकंड ना। सेकंड, ये केजी, ये जूल। हरिवान बात समझ आई? जी सर। अगर ये हिसाब किताब आपका बैठ रहा है तो आपको कुछ एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। मेरी बात नहीं समझ आ रही बिल्कुल? कोई डाउट आ रहा है क्या? मास नहीं सर समझ। को केजी में रखिए, रूट केजी में, और ये जो है ये रूट जूल में होगा। नहीं समझ आया? हाँ सर। अबे यस सर, हाँ सर, नो सर, कुछ बोलते रहा करो, मुझे लगता है मैं अपने आप से बातें करता जा रहा हूँ और खुद ही सो हाँ जाऊंगा। मैं सर। बोलते बोलते मैं खुद ही सो जाऊंगा। ये रूट जे है, ये जे है, तो मैं ये रूट जे ऊपर लिख रहा हूँ, और यहाँ सेकंड लिख रहा हूँ, और यहाँ केजी लिख रहा हूँ। दोस्तों समझ आया? यस अब जो जूल है वो जी। वर्क है, वर्क मतलब एफडी, एफडी मतलब न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन मीटर मतलब केजी मीटर, सेकंड स्क्वायर मीटर। तो ये क्या हो गया, केजी मीटर स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर, सारा रूट के अंदर, यहाँ सेकंड, यहाँ रूट केजी। भाई समझ नहीं आ रहा? हाँ सर समझा। तो ये रूट केजी, ये रूट केजी, बाहर कौन आया, मीटर अपॉन सेकंड, बट बाहर कौन खड़ा था, सेकंड, तो ये किसके इक्वल हो गया, मीटर के। दोस्तों नहीं मीटर समझ में आ रहा यस समझा। ये वाला मीटर?
गया आपको? तो समझा सर। बेटा मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मिस मधु ने बोला कि सर आप याद रखना कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, मैं आपको दिखा देता हूँ, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो एनर्जी दी जा रही है वो एनर्जी सर जूल में नहीं है, वो किस में है, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। नहीं समझ आया आपको रेयॉन? ये जी तो वो फॉर्मूला तभी चलेगा अगर आप इसको 150 इंटू 1.6 इंटू 10^-19 जूल बनाएंगे, नहीं तो वो फॉर्मूला नहीं चलेगा। नहीं समझ आया दोस्तों? समझा सर। मिस मधु ठीक कह रहा हूँ मैं? हाँ सर। रेयॉन जी समझ आया नहीं आया? समझा सर। तसल्ली से बिल्कुल आपको समझाया जा रहा है, ये न्यूमेरिकल आपको मैं तसल्ली से समझा रहा हूँ ताकि ताकि जितने भी इंटरेस्ट के हैं वो सारी आपको समझ आ जाए। ये जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है उसमें भाग जाएंगे, उसमें थोड़ा स्पीड से आगे चलेंगे। समझ आया? यस सर। मिस्टर रेहान आपकी आ गया तो चलो आगे। ओके, जी सर। तो रेहान देखिए अभी तक हमारी जो डिस्कशन है वो यहाँ तक हम आई थिंक वी आर प्रेटी कंफर्टेबल नाउ इन सेइंग दैट लैम्डा मतलब मैटर वेव का जो वेवलेंथ होता है, मैटर ब्रोगली ब्रोगली मैटर वेव की जो इक्वेशन होती है दैट इज गिवन बाय एच अपॉन 2 ME के। आर वी कंफर्टेबल टिल हियर? यहाँ तक ठीक है? यस यस सर। जी ओके, अब मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहला पार्ट और सेकंड पार्ट सेम से ही है, क्योंकि देखिए होगा क्या, आप पहले लैम्डा निकालेंगे जैसे पहले भी आपने लैम्डा निकाला, हाँ उसके बाद जो फॉर्मूला आप यूज करेंगे, एक बार आपके पास लैम्डा आ जाएगा तो आप फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? पी इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा। रेहान बात समझ आई? यस सर। यस सर। भाई आई होप इट इज मेकिंग सेंस। यहां से लैम्डा निकल जाएगा, वो जो लैम्डा है वो यहां पर चले जाएगा तो पी निकल जाएगा। जब एक बार पी निकल जाएगा हाँ तो आपके पास ये फॉर्मूला है पी इज इक्वल टू एम वी, तो इसमें आपके पास मास होगा, इसके पास इसमें आपके पास पी निकल आएगा तो वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन निकल आएगा। अरे वो नहीं समझ रहा? समझा। देखिए मैं आई एम ट्राइंग टू मेक द थिंग्स एज सिंपल एज पॉसिबल, जितना मैं कर सकता हूँ, जितनी मेरी हिम्मत है उतना मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट फाइनली यार आप जब तक हाथ पैर नहीं मारेंगे आपको समझ नहीं आएगा। वो फाइनल स्टेप आपको लेना पड़ेगा, उस समय मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो ये देखिए एज प्रॉमिस्ड ये आपने काइनेटिक एनर्जी है, मैडम ने हमें पहले बता दिया कि सर काइनेटिक एनर्जी को याद रखना जूल में कन्वर्ट कर लेना, वो मैंने यहाँ कन्वर्ट कर दिया, ये एच की वैल्यू यहाँ डाल दी, ये टू है ये मास है, ये टू है ये मास है, मास किसका? इलेक्ट्रॉन का। याद रखिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मासेस मत डालना यहाँ पर, ये आपका आंसर आ गया 0.1 नैनोमीटर। नहीं समझ पाया? समझ गया? हाँ सर। अब मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अगर अपना एग्जाम में मीटर में भी छोड़ के आएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, बिकॉज मीटर इज ऐसा यूनिट, वो तो आपकी किताब वाला नैनोमीटर में निकाल रहा है, इसलिए मैं भी नैनोमीटर में निकाल के आपको दिखा दिया मिस्टर रेवान। जी सर। तो उसके बाद जैसे हमारी अभी डिस्कशन हुई है 5 मिनट पहले कि एक बार आपके पास ये आ जाता है पी इज इक्वल टू एच लैम्डा यूज करके, लैम्डा एक बार आपके पास आ जाता है तो ये तो आप जो मोमेंटम है वो निकाल लेते हैं, पर मोमेंटम में पी इज इक्वल टू एम वी, क्योंकि है तो मैटर ही, तो पी इज इक्वल टू एम वी डाल के आप इसकी वेलोसिटी भी निकाल लेते हैं। दोस्तों डाउट है तो रुकी, नो सर। नो डाउट। नो डाउट। ये देखिए तभी मैं आपको बोल रहा हूं कि जो नैनोमीटर में मैं इसलिए निकाल रहा हूँ बिकॉज आपका बुक वाला नैनोमीटर में निकाल रहा है, सिर्फ आपके आंसर मैच करने के लिए। बात समझ आएगी? यस सर। मिस्टर रियॉन जी। देखिए बात समझिए, अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा दोबारा से इसको देख लीजिए, नहीं तो ये आज का लेक्चर भी वेस्ट जाएगा। मेरी बात समझ आई? डिटेल ओके सर। में बात हुई है, ओके सर।
ये तो कोई फायदा नहीं।